हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान से और बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान से, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन करने से और बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके दान करने से, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी उपवास करने से, भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने से, सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। अचला एकादशी, अपरा एकादशी दोनों नामों से जानी जाती है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधान आता है। इस व्रत में ब्रह्महत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्म भी अगर किसी ने किए हों तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। इसको करने से कीर्ति, पुण्य, धन की अभिवृद्धि होती है। यह व्रत गवाही, मिथ्यावादियों, जालसाजियों, कपटियों तथा ठगों के घोर पाप को भी मिटाने वाला है। और कभी अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि कोई खास रिश्तेदार है जो बहुत पहले परलोक जा चुके हैं, लेकिन वो अक्सर आपको आभास कराते हैं कि आपसे कुछ चाहते हैं, तो आपको ये एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में बहुत कलह कलेश हो रहा है, बहुत काम करते हैं पर लास्ट स्टेज में आके काम बिगड़ जाता है, या ये कहिए कि आपके घर हमेशा कंगाली बनी रहती है, परिवारजनों के मन हमेशा अशांत और खिन्न बने रहते हैं, तो दोस्तों कलयुग में सारे दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे बड़ा धार्मिक उपाय है ये एकादशी का व्रत। इस व्रत से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृगण प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और मन भगवत चरणों में लग जाता है, भगवत कृपा आती है। घर में होने वाले कलह, संतान का ना होना, तंगी या काम बिगड़ना, दुर्भाग्य बना रहना, तबीयत खराब रहना और स्वयं के पूर्व जन्म और इस जन्म के कार्य, हमारे परलोक के पितृ आत्माओं का हमसे गुस्सा होना, भगवान का रुष्ट हो जाना, इन सभी के प्रभाव इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य भाव सागर से पार होता है और प्रेत योनि के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते। भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होती है और भक्त का घर धन धान्य से भर देती है। इस एकादशी, अपरा एकादशी का पुण्य अपार है और कहा जाता है कि मनुष्य भव सागर से तर जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु की कृपा उस पर विशेष रूप से बरसती है। पूजन करना चाहिए, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, ना चावल लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए, तामसी चीज फलाहार ले सकते हैं और व्रत करते समय आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है, नारायण का ध्यान करना है, सात्विक पूजा करनी, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए आपको रहना है। कहा जाता है ये व्रत इतना विशिष्ट है कि पांडवों ने जब युद्ध जीता तो उनके मन जब अशांत हो गए थे क्योंकि वो अपने ही संबंधियों को मार चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महात्म्य बताया और इस व्रत को करने की सलाह दी। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी ही अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है और जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठे ज्योतिष बनना और झूठा वैद्य बनना सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी क्षत्रिय युद्ध से भागे हुए हैं, नरकगामी होते हैं, अगर वो भी इस एकादशी का व्रत कर ले तो वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे भी अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं।
जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है और मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से और स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी धन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया और इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसको अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य, उस व्रत का पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अपरा एकादशी, और हर साल प्राय प्राय मई या जून के महीने में आती है। इस बार 18 मई को हम मना रहे हैं। 17 मई को 2020 को दोपहर 12:42 पर शुरू हो जाएगी एकादशी तिथि। तो जो भी सांसारिक लोग हैं वो 17 को मनाएंगे एकादशी, बाकी जो वैष्णव हैं वो 18 मई को, या सन्यासी हैं या जो भी है तपस्वी हैं वो सभी 18 मई को ये एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी तिथि की समाप्ति 18 मई को होगी दोपहर 3:08 पर। पारण सभी को व्रत का करना है 19 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक पारण का समय रहेगा। एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी तिथि से अपने आप को पवित्र करके रखें। नॉनवेज, तामसी चीज़ें ना खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात को शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ आदि करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, पूजा स्थल को साफ कर लें और थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल करके जल में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बिना धुले हुए वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। और फिर जो भी आपके घर में भगवान विष्णु और उनके जिस भी स्वरूप की तस्वीर है या मूर्ति है या नहीं भी है, तो उनके नाम का दीपक आप अपने पूजा स्थल में जलाइए। इसके बाद विष्णु भगवान की जो भी प्रतिमा आदि है उसका, अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप पंचामृत स्नान आदि करा सकते हैं, और नहीं तो तिल, भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाते, इस बात का ध्यान रखिए, चावल नहीं चढ़ते विष्णु भगवान को, सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं। तो सफ़ेद तिल, फूल, मौसमी फल, चंदन, नारियल, मेवे, जो भी आपके धूप दीप नैवेद्य करें, सफ़ेद पुष्प से उनका पूजन करें। खासकर अभी गर्मी का मौसम है तो मौसमी फल बहुत आते हैं, आम, खरबूजा, आड़ू, खुरमानी, लीची, लुगाट, केले का भोग, ये सभी लगाना उत्तम होता है। इस दिन स्वयं भी उपवास करें और फलों से उपवास करें, हो सके तो यथासंभव दान करते हुए फलाहार करें। नहीं भी कर सकते तो आप कम से कम इस दिन तामसी भोजन ना करें और एक पात्र में दूध, दही, गंगाजल, तुलसी के पत्ते, सफ़ेद तिल मिला करके भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए और फिर स्वयं इसे प्रसाद रूप पंचामृत की तरह ग्रहण करना चाहिए। सभी परिवार वालों को बांटे, इससे घर का दुर्भाग्य समाप्त होता है। शाम के समय अपने घर में गोबर के कंडे पर कपूर और सफ़ेद तिल ये रखकर आपको जलाना चाहिए। सारे घर में धुआं कर दीजिए, आप देखेंगे इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो नाश होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। उन्नति प्राप्ति चाहते हैं तो इस दिन सफ़ेद तिलों से विशेष उपाय करना ही चाहिए। आप देखेंगे जल्दी ही आपको आर्थिक तौर पर विशेष फायदा होने लगेगा।
थोड़े से गाय के शुद्ध घी में सफेद तिल डाल दीजिए और भगवान का आप हवन भी कर सकते हैं। यज्ञ कीजिए और इस यज्ञ की राख जो भी बचेगी उसको एक सफेद कपड़े में बांधकर आप अपने घर में अपनी तिजोरी में रखें या फिर अपने पूजा स्थल में रखें या रसोई में इसे बांध दीजिए। साथ ही साथ आप जब हवन करेंगे उस समय माँ लक्ष्मी, धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी नाम का हवन करें। ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम रीम श्रीम, जो भी मंत्र आपको आता है वो आपको बोल करके माता लक्ष्मी के नाम का भी हवन करना चाहिए। आप देखेंगे अति शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये सब उपाय सफ़ेद तिल से नहीं कर सकते तो तिल की बनी हुई मिठाई भी आप भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, ये भी आपको उज्ज्वल भविष्य दिलाएगा। और कुछ ना कर सके तो स्नान करते समय पानी में थोड़े से काले तिल डाल करके नहा लीजिए, इससे भी आपके जीवन में दुर्भाग्य नाश होता है। ध्यान रखें जो भी पूजन करेंगे विष्णु भगवान के सामने तुलसी के पत्ते हमेशा भोग में रखने चाहिए। अगर आज के दिन देखिए एकादशी को तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते तो एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, और इनकेस आप भूल गए हैं तो आप वहाँ जो गिरे हुए पत्ते होते हैं गमले में वो आप लेकर के भगवान को उससे भोग लगाएं, और या फिर आप जो पहले से आपने चढ़ाए हुए तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते उनको धो करके आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो तुलसी की जड़ को आज के दिन विधि पूर्वक निमंत्रण दे करके अपने घर लाना चाहिए। यानी यदि आप कहीं से तुलसी आज के दिन लाते हैं तो आप अपने मन में यह बोलें, हे माता तुलसी हमारे घर में आप पधारें, और इसके बाद घर पहुंचकर तुलसी जड़ को गंगा जल से धोना चाहिए। इसके बाद इसका पूजन करें और पूजन के बाद इस जल को दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेट कर बांध लें। पूजा करते समय आप किसी भी तुलसी मंत्र का जप कर लें। दोस्तों ये एक तांत्रिक उपाय है और इसे करने से आपको धन संबंधित कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है, और किसी व्यक्ति को अचानक धन हानि लग जाए या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाए, बुरी नज़र लग जाए तो उस समय तुलसी का यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तुलसी की जड़ का उपाय तो आज के दिन आप 7 पत्ते तुलसी के ले लीजिए और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च साबुत हो तो बहुत अच्छी बात है, और फिर इसके बाद किसी व्यक्ति को नज़र हुई है उसे या फिर कोई दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा या लग रहा है किसी ने कुछ किया धरा है तो ऐसे में आज तुलसी के ये 7 पत्ते और काली मिर्च मुट्ठी में ले लें और उस पर्सन को लेटा दीजिए और मुट्ठी बांधकर उसके सिर से पैर तक 21 बार आपको ओम बोलना है। क्या बोलेंगे? ओम। ओम बोल करके वार लेना है और इसके बाद जो काली मिर्च है वो उस पर्सन को खाने के लिए चबाने के लिए दे दें और तुलसी के पत्ते को मसल कर उसे पानी के साथ निगला दें। इसके बाद उसके तलवे को, जो पांव का तलवा होता है, उसे किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आज के दिन आपके जीवन से सारी कठिनाइयां दूर हो तो तुलसी का उपाय आज एकादशी को, आज और कल 18 और 19 दोनों को है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस दिन आप मुख्य दरवाजे पर, अगर आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया हुआ है तो आज के दिन घर पे तुलसी लाने का भी विधान होता है, और फिर इस शाम के समय इस पर दीपक जलाएं। प्रतिदिन तुलसी की अच्छे से देखभाल करें और आप देखेंगे कैसे आपके घर पर धन आने लगता है, पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों दरवाजे के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर नहीं आती, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है और यह भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। इसके बाद धूप दीप दिखाकर शिव विष्णु भगवान की आरती जरूर करें। इस दिन जब आप स्नान करेंगे सुबह तो सूर्य देव की पूजा करना भी नहीं भूलना चाहिए। एकादशी की कथा आपको सुननी सुनानी चाहिए। कथा भगवत कथा का अगर हो सके तो चाहे 5-10 श्लोक ही सही आपको पाठ करना चाहिए, इससे भी घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का सदा निवास होता है। व्रत निर्जला ही करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं और वहीं पर बैठकर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें या फिर विष्णु सहस्र नाम का पाठ आपका करना चाहिए, इससे भी भगवान विष्णु आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन दोपहर को नहीं सोना चाहिए, साथ ही रात में भी नहीं सोना चाहिए। रात्रि जागरण का विधान आता है भजन कीर्तन करते हुए, और पलंग पर नहीं सोना चाहिए, धरती पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। अगले दिन आपको यानी द्वादशी की तिथि को पारण जरूर करना चाहिए। बिना पारण किए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। अगर आप सालों से व्रत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा तो आप ध्यान दें आपने पारण किया है कि नहीं।
किया है। पारण होता है व्रत करने के अगले दिन आपको किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। थोड़ा सा पूजन कर ले भगवान विष्णु का फिर से और वापस आप किसी गरीब को थोड़ा भोजन दें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का पारण होता है। आपको बता दूं अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं है पहले दिन तो भी सात्विक भोजन करके भी आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, इस व्रत में वर्जित माना गया है। कहते हैं कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग किया था और तब उनका शरीर धरती पर जौ और चावल के रूप में मिल गया। उस दिन एकादशी थी इसलिए चावल का उपभोग उस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको बता दूं दातुन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य एकादशी भक्ति की जननी है और जननी के आशीर्वाद से जैसे सभी प्रकार के सुख बालक को प्राप्त होते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत के पालन करने से मनुष्य को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जिस भी मनोकामना से आप व्रत को करेंगे वो अवश्य पूरी होगी और अपर एकादशी का पुण्य अपार होता है और मनुष्य भाव सागर से तार हो जाता है। इसलिए सभी लोग करें सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। सभी लोग सफ़ेद तिलों से उपाय इस दिन ज़रूर कीजिए। बहुत ही बड़ी एकादशी है अपरा एकादशी या अचला एकादशी और कहा जाता है अपार धन की प्राप्ति होती है। तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर बताएं, कथा सुने सुनाएं और देखें थोड़े बहुत पुण्य हम सभी को प्राप्त हो सकते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल नाम भूले। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की।